लोकसभा चुनाव के दौरान देश और प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता लगने के बाद गोहाना में नगर परिषद की टीम ने शहर में लगे राजनेताओं के होर्डिंग, पोस्टर्स और साइन बोर्ड्स को उतारने का काम शुरू कर दिया है। नगर परिषद की टीम ने शहर में मुख्य चौक से सभी पोस्टरों को उतार दिया। इस पर गोहाना के SDM विवेक आर्य का क्या कहना है, सुनिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एंड रिटर्निंग ऑफिसर फॉर दिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सिक्स सोनीपत, उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन ना हो। सारे पार्टीज और सारे उम्मीदवार जो हैं और उनके कार्यकर्ता, उनसे एक अनुरोध भी है हमारा कि कोई भी रूल्स हैं आचार संहिता के, वो उनका उल्लंघन ना हो। दूसरा, हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं एंड स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं जो हमारी 24 घंटे निरंतर इस चीज़ में देखरेख कर रही हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपको लगता है कि भाई कोई उल्लंघन हो रहा है किसी चीज़ का, तो हमारे पास एक सी विजिल ऐप है, उसके ऊपर जाके आप अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उसको एज सुन एज पॉसिबल उसका निवारण हम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, एक 1950 एक टोल फ्री नंबर है, अगर आप ऐप यूज ना करना चाहते हो तो 1950 पे भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बाकी राजनीतिक पार्टियों से और सभी उम्मीदवारों से, उनके कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी के लिए रहना चाहिए। हर किसी को कंटेस्ट करने का अधिकार है, हर किसी को वोट करने का अधिकार है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका सौहार्द आप बनाए रखें और इसी एक स्पिरिट से लेके चलें कि ये पर्व जो हमारा इलेक्शन का पर्व है, इसको हम अच्छे तरीके से निभाएं, इसको हम सकारात्मक तरीके से देखें और इसमें जो हमारा सामाजिक सौहार्द है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। सर, जो फ्लैग्स वगैरह लगाए रहते हैं जी, सारे पब्लिक प्लेसेस में और कहीं पे भी कोई राजनीतिक फ्लैग्स हैं सारे हम उतार रहे हैं, जिससे ये होगा कि जो मनी एंड मसल पावर का मतलब कोई शो करना चाहे वो हम नहीं करने देंगे। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, नई वोटें बनाने का हमारा पिछले एक साल से चल रहा है और अभी डायरेक्शन हमारी हुई है कि 25 अप्रैल तक हम नई वोटें इस चुनाव के लिए। SDM ने साफ कह दिया कि लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान आपको अगर कोई व्यक्ति मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, शराब, उपहार सामग्री या फिर मुफ्त भोजन की पेशकश करता दिखाई दे तो उसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1950 पर दे सकते हैं। उड़न दस्ते और निगरानी टीमों द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।